नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत लोंडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लोंडे से ओएससी। ऐसा YouTube चैनल जिसपे आप इंग्लिश के बारे में कई सारी नई चीजें सीखते हैं। तो आज हम ऐसे नई चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपसे मैं थोड़ा संवाद करना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है कुछ ही दिनों में हम थोड़े आगे बढ़ गए हैं, आप सभी का प्यार मिल रहा है जिसके वजह से हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आशा है कि और ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर मुझे ही पूछा था कि सर, जैसे आपने ये क्या बताया हमको कि कौन से वर्ड है जो हम थैंक यू की जगह पे इस्तेमाल कर सकते, साथ में ऐसे कौन कौन से अधिक वर्ड है जो हम सॉरी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते, तो क्या सर आप बता सकते कि ऐसे कौन से वर्ड है जो हम हैप्पी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते। उसने ऐसा भी कहा था कि बार बार हैप्पी हैप्पी ये वर्ड का इस्तेमाल करके भी हम थक चुके हैं, कुछ नए सीखना थे। इसलिए मैंने एक 800 पेजेस की डिक्शनरी थी, छोटी डिक्शनरी, जो मैंने पूरी तरह से स्कैनिंग कर ली। और स्कैन करने के बाद मुझे पता चला कि कैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आप हैप्पी के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो उस पर बना रहा हूँ जो कि हम हैप्पी के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम ऐसे कौन से वर्ड्स है जो हैप्पी के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट जाने की वजह से मैंने विंडो ओपन की है, तो कुछ विंडो की फ्लैश यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सिमिलर वर्ड लिखे हैं, 10 ऐसे वर्ड जो आप हैप्पी के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, यकीन मानिए। देखिए पहले सबसे है कि जॉली, फिर है जॉयफुल, उसके बाद ग्लैड, फोर्थ नंबर पे है प्लीजेंट, फिफ्थ नंबर पे है इलेट, सिक्स नंबर पे है प्लेजर, फिर है एग्जिलरेशन, एट है एक्साइटेड, एम्यूजली, नाइन्थ नंबर पे है और 10वां वर्ड है ओवरवेलम। तो ये सारे शब्द है जो इनका इस्तेमाल आप हैप्पी के जगह पे इस्तेमाल करके आपकी अपनी इंग्लिश ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड का पूरा विश्लेषण देखते हैं, साथ में ऐसा एक सेंटेंस देखते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखते हैं पहला वर्ड जॉली। यूज ऑफ जॉली इज वेरी इजी, आप जॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ लीजिए, साथ में नोट डाउन भी कर लीजिए, आपको फायदा होगा। लिखा है कि वाओ इट्स अ जॉली वेदर टुडे, मतलब आप हैप्पी के जगह पे जॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली, मतलब आज का मौसम सुहाना है। अब ऐसे बात करते हैं तो जॉली का मतलब सुहाना लीजिए, आप हैप्पी भी वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, आज का वेदर कितना हैप्पी लग रहा है, आप ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में टुडेस वेदर इज वेरी हैप्पी वेदर। तो ऐसे बोलने की जगह पे आप जॉली का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने ये वर्ड सुना होगा, कहीं पे देखा भी होगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे आप इसका इस्तेमाल भी देख रहे हैं। साथ में दूसरा वर्ड है जॉयफुल, तो जॉयफुल का भी देखिए मतलब एक सिमिलर मीनिंग होता है। मैंने लिखा है ही लुक्स जॉयफुल, ही लुक्ड जॉयफुल ओके इन हिज सिस्टर मैरिज, ही लुक्ड जॉयफुल इन हिज सिस्टर मैरिज, वो अपनी बहन के शादी में ज्यादा ही खुश था, ज्यादा ही उत्साही था। देखिए क्या है दोस्तों, खुश होना, आनंदित रहना, उत्साही रहना ओके, ज्यादा मौज मजा करना, ये सारी चीजें का अर्थ तो एक ही निकलता है ना, कि खुश है, ज्यादा से ज्यादा हैप्पी है, तो हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ही लुक्ड जॉयफुल इन हिज सिस्टर मैरिज। बाद में तीसरा वर्ड है ग्लैड, जिसका इस्तेमाल कई सारे लोग करते हैं, आप भी कर लो, अच्छा होगा। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, आपके देख के बहुत ही खुशी हुई, मतलब इन तीनों का इस्तेमाल तो करना आप अभी सीख ले होंगे और कल से प्रैक्टिस भी कर लेना, इंप्लीमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इंप्लीमेंट करके ये भी सीख लोगे कि आपको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए आगे के वर्ड भी देख लेते हैं, डिलाइट। अभी डिलाइट का मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पे मतलब होता है खुश होना, खुश रहना। आई एम वेरी डिलाइटेड बिकॉज टीम इंडिया वॉन मैच। देखिए यहाँ पे इजी एक मैंने सेंटेंस लिखा है जिसका अर्थ आपको पूरी तरह से मालूम हो चुका होगा कि भारत मैच जीत गया इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूं। आप हैप्पी की जगह पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलाइट, डिलाइटेड का देखो यहाँ पे हो गया है, आई एम वेरी डिलाइटेड, मैं आज बहुत खुश हूं। बाद में पांचवा वर्ड है प्लीजेंट। अभी देखिए यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस लिखा है आपको अच्छे तरह से उसका अर्थ उसका मीनिंग समझने के लिए। क्या लिखा है, इट्स अ प्लीजेंट मॉर्निंग, इट्स अ प्लीजेंट मॉर्निंग, आज की सुबह कुछ ज्यादा ही उत्साही है, इट्स अ प्लीजेंट मॉर्निंग। आप कहते हैं बार बार
हैप्पी का इस्तेमाल करते, ये यूज कर लीजिए, देखिए कुछ नया चेंजेस लगेगा आपको आपके लैंग्वेज में। फिर उसके बाद में लिखा है मैंने इलेट, अब ये एक नया वर्ड जो मुझे डिक्शनरी में मिला, मैंने नोट डाउन कर लिया, सोचा कि मेरे व्यूवर्स को अच्छा लगेगा। तो देखिए इलेट, इलेट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, आप ज्यादा अच्छे तरह से जान जाओगे सेंटेंस के ऊपर से। देखिए क्या लिखा है, राजू हैज इलेटेड, राजू आज खुश है, बिकॉज हिज फादर ब्रॉट हिम अ न्यू साइकिल, क्योंकि उसके पापा ने उसे नई साइकिल लाके दी। कहने का मतलब है कि इलेट ये एक ऐसा नया वर्ड है जो आप हैप्पी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए सोचिए, अगर आप आपकी लैंग्वेज में आप जब बात करते हो तब आप अगर ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो क्या लगता है आपको, आपका इंप्रेशन नहीं बढ़ेगा? अब बढ़ेगा 100 गुना, क्या 200 गुना बढ़ेगा, सामने वाला जान जाएगा कि नए नए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वैसे यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट लगता है, ज्यादा बुक रीडिंग करता है। तो ये एक नया वर्ड आपको आज मालूम हुआ। देखते हैं आगे और कौन से वर्ड है। सातवां वर्ड है प्लेजर। अभी प्लेजर का देखिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, आई शाल गेट मोर प्लेजर इफ यू स्टडी मोर। एक पिताजी अपने बच्चे को बोल रहे कि मुझे ज्यादा आनंद होगा अगर तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे। क्या होता है मतलब, तो इन्होंने क्या किया, हैप्पी के जगह पे प्लेजर का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, आठवां है अग्जुलेशन। एक्सिलरेशन मतलब देखिए, शी वॉन 90% इन SSC, हेंस शी वॉज एक्सिलरेटेड, उसे 10वीं में 90% मार्क्स मिले, इस वजह से वो ज्यादा ही खुश है, ज्यादा ही आनंदित है। तो ये भी एक नया वर्ड है दोस्तों। देखिए आपको लग रहा होगा कि सच में इन शब्दों का सच में ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको भी आनंद मिलेगा, सही ना? तो इन शब्दों को अच्छे तरह से नोट डाउन कर लो और देखिए आप इसको सच में इंप्लीमेंट करना सीख लो। और मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप सबको तो वीडियो शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करने वाले हो, लेकिन एक और बात आप करने वाले हो, आज अभी आप तुरंत किसी ना किसी दोस्त को फोन करके बोलने वाले, देख भाई मुझे और सारे ऐसे वर्ड्स मालूम हो गए जो हैप्पी के लिए इस्तेमाल कर सकते, और एक दो नहीं कुछ 10-11 वर्ड्स है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया वर्ड है जो कल डिक्शनरी मुझे मिला, आपको मैंने बता दिया। देखिए आगे है एक्साइटेड। ओके, ये तो एक आपको पता होगा नॉर्मल यूज में आप कर लेते हो इसका इस्तेमाल। क्या है, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माय ओल्ड फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेरे पुराने दोस्तों को मिलने के लिए। तो ये हो गए टोटल 9, अभी और 2 बाकी है। हाँ वेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आगे के 2 वर्ड भी बहुत ही अच्छे हैं, उसमें का एक वर्ड तो कुछ नया है, जैसे ये एक्सेलरेशन है उस तरह से वो भी है। तो देखिए आगे के 2 वर्ड। अब हम आ गए अपने अंतिम पड़ाव पे, जहां पे हम देखने वाले 2 नए वर्ड, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ ही मिनट के पहले, कि ऐसे 2 नए वर्ड जिसको आप देख के सुन के समझ के और लिख कर आप ज्यादा खुश हो जाएंगे, जैसे अभी मैं हो रहा हूं। मैं क्यों हो रहा हूं कि मेरे सारे व्यूवर उसका इस्तेमाल करने वाले, मेरे सारे नए दोस्त है वो सब उसका इस्तेमाल करने वाले। देखिए अम्यूजली, उसके इसको पढ़ते हैं अम्यूजली, तो इसका कैसा मैंने सेंटेंस लिखा है, शी वोन लॉटरी टिकेट हेंस शी जम्प्ड एंड येल्ड अम्यूजली, वो लड़की लॉटरी का टिकट जीत गई, तो वो जो वो उसने वो कूदी और जोर से चिल्लाई, खुश होकर जोर से चिल्लाई, क्योंकि तो खुश होकर। तो यहां पे आप हैप्पी का इस्तेमाल करना उचित समझे क्या, अगर समझ भी गए तो ज्यादा तो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना, तो उस जगह पे आप अम्यूजली का इस्तेमाल करके देख लो। देखिए फिर बाद में 11वां है ओवरवेल्म्ड। अभी ये भी आपने सुना होगा, इस्तेमाल नहीं किया ना तो कर लो आज से इसका इस्तेमाल। ओके, आई रिसीव दिस अवार्ड देयर फोर आई एम सो ओवरवेल्म्ड। एक्टर एक्ट्रेस जब अवार्ड मिलता है उनको, आते हैं पोडियम पे और बोलते हैं कि आज मैं बहुत ही खुश हूं, इंग्लिश में बोलते हैं तो आई एम सो ओवरवेल्म आई रिसीव दिस अवार्ड, बोलते हैं ना, सुना है ना आपने, तो इस्तेमाल भी कर लो दोस्तों, मजा आ जाएगा। इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। देखिए अब इस आप बोलिए तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े से हेजिटेट करते हैं बोलने में, देखिए थोड़ा थोड़ा सीखिए, अच्छा सीखिए, एकदम एक दिन में कोई भी ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं सकता,
कोई भी बोला है अब तक तो अच्छे तरह से बोला है, बहुत समय लगा है, आपको भी लग सकता है, लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, बस सीखते रहिए और लोढ़े से ओएसी यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा मेरा हौसला बढ़ते रहिए ताकि मैं आपको ऐसे नई नई चीजें सिखा सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना कि आपको अभी और क्या सीखने की इच्छा है जिससे आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होगी, और जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख लिए। तो चलिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सीखना ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।